औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास है सेवन्थ में, सातवीं जमात का उर्दू। तो सबक हमारा है आज न्यूटन का कारनामा। तो न्यूटन का कारनामा हम आज पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले पढ़ूंगा, आप अपनी किताब खोलो और देखो किताब की तरफ। तो फिर मैं इसका खुलासा आपको पेश करता हूँ। पहले मैं अपना प्यारा एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। दरख्त से फल गिरते किसने नहीं देखा, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। क्योंकि इस वाक्य से साइंसदान ने किसी शक्ल के वो असूल अखज़ किए जिन्होंने आज कल की साइंस के अरे खुदा खुदो खाल की तरबियत की। तो ये पहला इसका पैराग्राफ है। तो तकरीबन 5-8 पैराग्राफ हैं इसके। मैं 2-3 पैराग्राफ का खुलासा पेश करता हूँ आपके सामने। तो पढ़ना तो आपको आता ही है, तो खुलासा इसका मैं इस तरह पेश करता हूँ। न्यूटन ने जो कारनामा किया वो सबको पता है, इसने क्या क्या काम हमारे लिए किए। एक दिन जब दरख्त से सेब न्यूटन के सर पर गिरा तो इस वाक्य से किसी शक्ल के बारे में अहम मालूमात हासिल हुई। गिरे से लेकर न्यूटन तक साइंस ने कई मराहल तय कर लिए थे। न्यूटन के दौर में रियाजी यानी मैथ्स, नजूम, एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स जैसे अलूम ने खासी तरक्की की है। न्यूटन की पैदाइश से पहले ही इसके बाप का इंतकाल हो गया था। न्यूटन एक कमज़ोर से बच्चे की शक्ल में दुनिया में आया। न्यूटन की पैदाइश के बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी की और न्यूटन की परवरिश इसकी दादी करने लगी। लेकिन दूसरे शौहर की फौत के बाद माँ ने न्यूटन को 14 साल की उम्र में अपने पास बुलाया। शायरी और मशहूरी में शौक रखने के अलावा न्यूटन मशीनों के नमूने बनाकर खेला करता था। इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो एक फनकार बने, लेकिन न्यूटन के चचा के कहने पर उसको माँ ने कैम्ब्रिज तालीम हासिल करने के लिए भेजा। बीए करने के बाद उसे वहाँ एक छोटी सी नौकरी मिल गई। इसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी के मजमून में प्रोफेसर की हैसियत से काम करने लगा। इसके बाद न्यूटन ने दरियाफ्तें करना शुरू किए। इसने रोशनी पर तजुर्बे किए और बताया कि रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है। इसने चीज़ों की हरकत से मुतलिक 3 असूल तैयार किए, यानी आपको वो पता ही है, वो न्यूटन के 3 ला। तो वो पता है, नंबर 1 है हमारा यहाँ जो उसने दिया है इसके किताब में। कोई साकिन चीज़ तब तक हरकत नहीं करती है जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल किया जाए, यानी साइंस में इस पर पढ़ते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सेकंड लॉ है जो दूसरा लॉ है इसका, हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलते हैं। यानी एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो तीसरा लॉ जो है, हर अमल का मसावी और बरअक्स रद्द अमल होता है। यानी हम शीशा जब देखते हैं, जब हम कोई बॉल किसी दीवार पर लगाते तो वो वापस आती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो मैंने आपके सामने ये जो खुलासा किया, ये तकरीबन 5-6 पैराग्राफ का किया। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आप इसकी अच्छी तरह तालीम दे दें और अपनी कापी पर नोट भी करें। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम कल किसी शक्ल की दरियाफ्त कब हुई, क्या हुई, और इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो अल्फाज माने भी कल ही पढ़ते हैं। तो आज इतना ही। तो बाकी याद करना और अपनी कापी पर भी नोट करना। अस्सलाम वालेकुम।